बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सरद एंड यू आर वाचिंग 5 W's ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज हम ओथेलो के एक्ट 3 के सीन 4 की ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। सीन 4 में जो जो ड्रामेटिक पर्सोनी यानी करेक्टर्स आए हैं वो हैं ओथेलो, डेसिमोना, इमिलिया, क्लाउन, कैसियो, अयागो। और सीन 4 में एक नया करेक्टर भी आएगा जिसका नाम है बियांका, जो कि कैसियो की फ्रेंड है। सीन 4 बिफोर द कैसल, किस किले के सामने शुरू होता है, और किले के सामने एंटर डेसिमोना, इमिलिया एंड क्लाउन। और डेसिमोना कहती है, डू यू नो सीरा वेयर लेफ्टिनेंट कैसियो लाइज। अच्छे इंसान के आपको पता है कि लेफ्टिनेंट कैसियो कहाँ लेटे हुए हैं। क्लाउन कहता है, आई डेयर नॉट से, मैं ये कहने की जरूरत नहीं कर सकता, ही लाइज एनी वेयर, के वो कहाँ लेटा हुआ है। डेसिमोना, वाई मैन, ए अच्छे इंसान क्यों। क्लाउन, ही इज़ अ सोल्जर, वो एक सिपाही है। एंड फॉर वन टू से अ सोल्जर लाइज, और एक आदमी ये कह दे कि एक सिपाही लेटा हुआ है, तो इस स्टैबिंग, ये उस पर तोहमत लगाने के बराबर है। डेसिमोना, गो टू, जाने दो, वेयर लॉजिज ही, वो कहाँ रहता है। क्लाउन, टू टेल यू वेयर ही लॉजिज इज टू टेल यू वेयर आई लाई, आपको ये बताना कि वो कहाँ रहता है, ये बताना तो झूठ के बराबर है। डेसिमोना, कैन एनी थिंग बी मेड ऑफ दिस, क्या इसे किसी बात का पता चलता है। क्लाउन, आई नो नॉट वेयर ही लॉजिस, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है। एंड फॉर मी टू डिवाइस, और मेरे लिए ये सोचना, इस बात का अंदाज़ा लगाना, आ लॉजिंग, उसकी रहाइशगाह कहाँ है। एंड से, और ये कहना, ही लाइज हेयर, कि वो यहाँ लेटा हुआ है, और ही लाइज देयर, कि वो वहाँ लेटा हुआ है। वे टू लाई इन माइन ऑन थ्रोट, ये इसी के बराबर होगा कि मैं आप खुद ही अपने बारे में झूठ कहूँ। डेसिमोना, कैन यू इंक्वायर हिम आउट, क्या आप बाहर जाकर उसके बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड बी एडिफाइड बाय रिपोर्ट, एडिफाइड इन्फॉर्म करना, किसी को रिपोर्ट देना, और क्या आप बाहर जाकर उसके बारे में पूछ सकते हैं और हम इसके बारे में रिपोर्ट दे सकते हैं। क्लाउन कहता है, आई विल के चाइज द वर्ल्ड फॉर हिम, के चाइज इंटेरोगेट करना, पूछना, मैं पूरी दुनिया में जाकर उसके बारे में पूछूंगा। डैट इज मेक क्वेश्चंस, और सबसे सवाल करूंगा। एंड बाय देम आंसर, और सबसे कहूंगा कि मेरे सवालों का जवाब दें। डेसिमोना, सीख हिम, उसे तलाश करो, बिड हिम कम हीदर, हीदर टू दिस प्लेस, और उसे कहो कि वो इस जगह पर आए। टेल हिम, उसे बताओ, आई हैव मूव्ड माई लॉर्ड ऑन हिज बिहाफ, कि मैंने अपने हस्बैंड को उसके लिए रजामंद कर लिया है। एंड होप ऑल विल बी वेल, और मुझे उम्मीद है कि हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। क्लाउन, टू डू दिस इज इन विद इन द कंपस ऑफ मैंस वेट, कंपस रेंज रीच, ये सब कुछ करना तो इंसान की काबिलियत के बराबर है, यानी इंसान ये सब कुछ कर सकता है। एंड देयरफॉर आई विल अटेम्प्ट द डूइंग इट, और इसी वजह से ये मैं करने की कोशिश करूँगा। द क्लाउन एग्जिट्स, इसके साथ ही क्लाउन जो है वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डेसिमोना इमिलिया से कहती है, वेयर शुड आई लूज दैट हैंडकरचीफ इमिलिया, इमिलिया तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने अपना जो हैंडकरचीफ है वो कहाँ पर खोया था। इमिलिया कहती है, आई नो नॉट मैडम, बेगम साहबा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। डेसिमोना, बिलीव मी, मेरा यकीन करो, आई हैड रदर हैव लॉस्ट माई पर्स फुल ऑफ क्रूसाडोस, इससे बेहतर था कि मैं अपना सोने की छुपियों से भरा हुआ पर्स खो देती। एंड बट माई नोबल मूड इज ट्रू ऑफ माइंड एंड मेड ऑफ सच नो सच बिजनेस एज जेलस क्रिएचर्स आर, लेकिन मेरा जो नोबल मूड है, मेरा अच्छा मूड जो है, इज़ ट्रू ऑफ माइंड, वो दिलो दिमाग का सच्चा है। एंड मेड ऑफ नो सच बेसनेस, उसमें वो कमीनगी, वो बुरापन नहीं है, एज जेलस क्रिएचर्स आर, जैसे कि शक करने वाले खामदों में होता है, उसमें वो बुरापन नहीं है। इट वर इनफ, अगर ऐसा होता तो ये काफ़ी होता, टू पुट हिम टू इल थिंकिंग, वो रुमाल के खो जाने पर शक शुबा करने लग जाता। फ्रेंड्स, आप इस हाइलाइटेड कोटेशन को ओथेलो के करेक्टर में टू ऑफ माइंड की हेडिंग के साथ ऐड कर सकते हैं कि ओथेलो जो है वो शुरू में जालिस नहीं था, लेकिन वो अयागो की बातों में आकर जालिस हो गया था। इमिलिया, इज ही नॉट जालिस, क्या वो शक करने वाला नहीं है। डेसिमोना, हु, कौन, ही, क्या वो, आई थिंक, मेरा ख्याल है, द सन, वेयर ही वॉज बॉर्न, कि जहाँ पर वो पैदा हुआ था वहाँ के सूरज ने ड्रू ऑल, उससे छीन लिया है, उसे सब कुछ खींच लिया है। सच ह्यूमर्स फ्राम हिम, ह्यूमर्स मूड, उसने उसके अंदर से ऐसे तमाम जो जज्बात हैं, ऐसे तमाम जो मूड हैं, उसे छीन लिए हैं। इमिलिया, लुक वेयर ही कम्स, ले देखें, वो आगे हैं, एंटर ओथेलो, उसके साथ ही ओथेलो वहाँ पर एंटर होता है।
डेसिमोना एमिलिया से कहती है, आई विल नॉट लीव हिम एंड नाउ टिल कैसियो, मैं उसे उस वक्त तक आराम से नहीं रहने दूंगी जब तक कैसियो बी कॉल्ड टू हिम, जब तक वो कैसियो को दोबारा नहीं बुला लेता। हाउ इज़ इट विद यू माई लॉर्ड, मेरे आका आप कैसे हैं? ओथेलो, वेल, बहुत अच्छा माई गुड लेडी, मेरी प्यारी खातून। साइड इसके साथ ही वो अपने आप से कहता है, ओ हार्डनेस टू डिसेंबल, अपने आप को धोखा देना कितना मुश्किल है। हाउ डू यू डिसमोना, डेसिमोना तुम कैसी हो? डेसिमोना, वेल, बहुत अच्छी माई गुड लॉर्ड, मेरे अच्छे आका, मैं बहुत ठीक हूँ। ओथेलो, गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दो। दिस हैंड इज़ मॉइस्ट माई लेडी, मेरी प्यारी खातून आपका हाथ जो है वो गीला है। डेसिमोना, इट हैथ फेल्ट नो एज नो 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 सैरो, इस पर ना ही तो कोई बुढ़ापा आया है, ना ही इसको कोई गम पहुंचा है, इस वजह से ये गीला है। ओथेलो, दिस आर्ग्यूज, इस बात का भी मतलब, इससे ये बात भी निकलती है, इसका ये मतलब भी है, दिस आर्ग्यूज फ्रूटफुलनेस, के तुम एक आज़ाद एंड लिबरल हार्ट और एक खुले दिल की औरत हो। हॉट हॉट एंड मॉइस्ट, और तुम्हारा हाथ जो है वो गर्म और गीला है। दिस हैंड ऑफ योर रिक्वायर्स, तुम्हारा ये हाथ तकाजा करता है आ सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर रिमूवल, हटा दो फ्रॉम लिबर्टी, कि तुम अपने आज़ादी को ख़त्म कर दो। फास्टिंग, रोजे रखो एंड प्रेयर, और इबादत करो। मच कैस्टिगेशन, कैस्टिगेशन सेल्फ डिसिप्लिन, और तुम सेल्फ डिसिप्लिन का मुजाहरा करो। एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करो। डिवाउट पाइस, परहेज़गार रहने की मशक करो। Their hairs are young and sweeting the oval hair, क्योंकि ये हाथ जो है वो एक जवान और स्वीटिंग खूबसूरत शैतान का हाथ है। That commonly rubbles, क्योंकि जो ऐसे हाथ वाले तो आमतौर पर भटक जाते हैं। It is a good hand, ये एक अच्छा हाथ है। A frank one, एक खुले दिल वाला हाथ है। Dasimana, you may indeed say so, आप जैसा चाहें कह सकते हैं। What was that hand that gave away my heart? लेकिन ये वही हाथ है जिसने आपको अपना दिल दे दिया था। Othello, a liberal hand, एक आज़ाद हाथ। The hearts of old gave hands, पुराने ज़मानों में ऐसा होता था कि लोग अपने हाथ के साथ अपने दिल भी दिया करते थे। But our new heraldry is hands, लेकिन अब नया ज़माने में तो ये होता है कि सिर्फ हाथ दिए जाते हैं, not hearts, दिल नहीं दिए जाते। Dasimona, I cannot speak of this, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। Come now, अब आइए जनाब, your promise, अपना वादे की तरफ आते हैं। उठालो, what promise, चक, चक प्यारी को कहते हैं, किसी डेयर इंसान के लिए जो भी लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसको चक कहते हैं। वो कहते हैं, प्यारी कौन सा वादा? डेसिमोना, आई हैव सेंट टू बेट कैसियो सम स्पीक विद यू, मैंने कैसियो को बुलाया है कि वो आपके साथ आकर कुछ बातें करे। थैलो, आई हैव अ सॉल्ट एंड सॉरी रूम ऑफेंड्स मी, मेरा गला तो, मेरा जो नाक है वो बहुत दर्द कर रही है, और मेरा जो सर है वो भी बहुत दर्द कर रहा है। लैंड मी दाए हैंडकर चीफ, मुझे अपना अपना रुमाल जो है वो दो। डेसिमोना, हेयर माई लॉर्ड, मेरे आका ये लीजिए। उथालो, डैड विच आई गेव यू, नहीं ये वो वाला तो नहीं जो मैंने तुम्हें रुमाल दिया था, वो दो। डेसिमोना, आई हैव इट नॉट अबाउट मी, अब ये वो वाला रुमाल मेरे पास नहीं है। उथालो, नॉट क्या नहीं है? डेसिमोना, नहीं, इंडीड, बिलाशुबा मेरे आका, बेशक वो रुमाल मेरे पास नहीं है। उथालो, डैड्स अ फॉल्ट, ये एक कसूर है, ये तुम्हारी गलती है। डैड हैंडकरचीफ, वो रुमाल जो था, डिड एन इजिप्शियन, वो एक मिस्र की रहने वाली ने, टू माई मदर गिव, उस मिस्र के में रहने वाली एक औरत ने मेरी माँ को दिया था। शी वॉज अ चार्मर, चार्मर जो होते हैं वर्कर ऑफ स्पेल, जादू करने वालों को कहते हैं, वो एक जादूगर थी। एंड कुड ऑलमोस्ट रीड द थाट्स ऑफ पीपल, और वो तकरीबन, वो इतनी बड़ी जादूगर थी कि उन लोगों के ख्याल को भी पढ़ लेती थी। She told her, उसने मेरी माँ को बताया था, while she kept it, जब तक वो इस रुमाल को अपने पास रखेगी, it would make her amiable, ये रुमाल उसे क्या बना के रखेगा, amiable, beloved, उसे महबूब बना के रखेगा, प्यारा बना के रखेगा, किसका, मेरे बाप की नज़रों में महबूब बना के रखेगा। एंड subdue my father, और मेरा फादर जो है उसके सामने subdue हो जाएगा, conquer कर लेगा, यानी मेरा बाप जो है उसकी मोहब्बत के आगे मफतू हो जाएगा। एंटायरली टू हर लव, मुकम्मल तौर पर मेरी माँ के प्यार के आगे मकलूब हो जाएगा। बट इफ़ शी लॉस्ट इट, लेकिन अगर उसने इसको खो दिया, और मेड गिफ्ट ऑफ इट, और या फिर इसको किसी को तोहफा दे दिया, माई फादर्स आई शुड होल्ड हर लोथिड, तो मेरे बाप जो है उससे नफरत करने लग जाएगा, लोथिड, नफरत करना। एंड हिज स्पिरिट्स शुड हंट, उसकी जो पैशंस हैं वो क्या करेंगे, किसी और तलाश में होंगे। आफ्टर न्यू फैंसीज, वो नई नई जो लव है, नए स्वीट हार्ट की तरफ
तलाश करने की तरफ चला जाएगा, नई औरतों की तरफ चला जाएगा। शी डाइंग, उसने मरते हुए गेव इट मी, उसने मरते हुए ये रुमाल मुझे दिया था, एंड बिड मी, और मुझे कहा था, व्हेन माय फेट वुड हैव मी वाइव्ड, जब भी मेरी किस्मत में शादी करना लिखा हुआ, टू गिव इट हर, तो ये रुमाल अपनी बीवी को दे देना। आई डिड सो, मैंने ऐसे ही किया था, एंड टेक हिट ऑन इट, हीट केयर अटेंशन, इसका ख्याल रखना चाहिए था, मेक इट अ डॉर्लिंग लाइक योर प्रेशियस आई, और इसी तरह तुमने उसको महबूब बना कर रखना था, जिस तरह तुम अपनी खूबसूरत आँखों की कदर करती हो, उनकी केयर करती हो, इसी तरह तुम्हें चाहिए था कि इसको भी अपना महबूब बना कर रखती, यानी अपने पास रखती। टू लूज इट और गिव इट अवे, इसको खो देना या किसी और को दे देना, वर सच परडिशन, ये कैसी तबाही लेकर आएगा, एज नथिंग एल्स कुड मैच, कि इस तबाही का मुकाबला कोई और दूसरी तबाही नहीं कर सकेगी। डेसिमोना, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है। ओथेलो, इट इज़ ट्रू, ये सच है, देयर इज मैजिक इन द वेब ऑफ इट, इसके ताने बाने में जादू है। सिबल, सिबल प्रॉफिटेस, फॉर्चून टेलर, किस्मत का हाल बताने वाली एक कहना जो थी, दैट हैड नंबर्ड इन द वर्ल्ड, उसकी उम्र इतनी थी, दुनिया में उसने इतने नंबर पूरे किए थे, द सन टू कोर्स 200 कंपसेस, सर्कट ऑफ टाइम, किस जो सूरज है उसने अपने 2 सर्कट ऑफ टाइम, 200 सालों के जो सर्कट थे वो पूरे किए थे, यानी वो कहना जो थी उसकी उम्र 200 साल थी। इन हर प्रॉफिटिक फ्योरी सीउड द वर्क, उसने अपने जादू के यानी जो शहर के वक्त उसने इस पर काम किया था। द वॉर्म्स वर हैलोड, हैलोड टू मेक हॉली पार्क करना, डैड डिड ब्रीड द सिल्क, और इस पर जिन कीड़ों का रेशम लगाया गया था उनको पहले पार्क किया गया था, एंड इट वॉज डाइड, और इसको जिस रंग से रंगा गया था वो रंग कहाँ से लिया गया था, इन ममी हनूज शुदा लाशों से लिया गया था, विच द स्केल फुली कंजर्व ऑफ मेडन्स हार्ट, इसके साथ साथ ये जो रंग था, ये जो औरतें थी खूबसूरत औरतें, उनके दिल से भी जो रंग लिया गया था उनको उस रंग से रंगा गया था। डेसिमोना, इंडीड, बिलाशुबा, इज इट ट्रू, क्या ये सच है। ओथेलो, मोस्ट वैल्यूएबल, बिल्कुल सच, देयरफॉर लुक टू इट वेल, इसलिए तुम्हें चाहिए था कि इसका बहुत ध्यान रखती। डेसिमोना, देन वुड टू हेवन दैट आई हैड नेवर सीन इट, तो फिर मैं तो आसमानों से यही दुआ कर सकती हूँ, काश मैंने इसे ना देखा होता। ओथेलो, हाउ, वेयरफॉर, तुमने ये बात क्यों कही। डेसिमोना, व्हाई डू यू स्पीक सो स्टार्टिंगली एंड रैश, क्यों आप क्यों इतनी तेजी से गुस्से से बोल रहे हैं। उठा लो, इज इट लॉस, क्या ये खो चुका है। इज इट गॉन, क्या ये जा चुका है। स्पीक, कहो। इज इट आउट, क्या ये गुम हो गया है। ऑफ द वे, यहाँ ये दोबारा नहीं मिल सकता। डेसिमोना, ब्लेस अस, खुदा मुझ पर हम पर रहम करे। उठा लो, से यू, कहो तुम क्या कहती हो। डेसिमोना, इट इज़ नॉट लॉस, ये खोया नहीं है। बट वट एंड इफ इट वर, लेकिन क्या हो जाएगा अगर ये खो गया हो। उठा लो, हाउ, कैसे। डेसिमोना, आई से इट इज़ नॉट लॉस, मैं कहती हूँ कि ये खोया नहीं है। उठा लो, फेच इट, लेट मी सी इट, अगर ये नहीं है तो उसे मुझे ला के दिखाओ ताकि मैं इसे देखूँ। डेसिमोना, वाई, सो आई कैन, क्यों मैं इसको ला सकती हूँ सर जनाब, लेकिन बट आई विल नॉट नाउ, लेकिन इसको मैं इस वक्त नहीं ला सकती। दिस इज़ अ ट्रिक, ये तो आपकी एक तरकीब है, टू पुट मी फ्रॉम माई सूट, कि आप जो मेरी जो बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगी हूँ आप उसको मुझसे दूर रखें, यानी मैं आपसे अपनी मतलब की बात ना कह सकूँ। प्रे यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लेट कैसियो बी रिसीव्ड अगेन, कि आप कैसियो को दोबारा अपने ओहदे पर बुला लें। अब डेसिमोना को पता नहीं है कि वो गलत मौके पर गलत बात कर रही है, इससे क्या जो उथालो है उसका जो शक है वो और बढ़ जाएगा। उथालो कहता है, फैच मी द हैंडकरचीफ, मेरे सामने वो रुमाल लेकर आओ, माई माइंड मिसगिव्स, मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। डेसिमोना, कम कम, रहने दीजिए, यू विल नेवर मीट अ मोर सफिशिएंट मैन, आपको कभी भी ऐसा अब सफिशिएंट एबल काबिल इंसान कभी नहीं मिलेगा। उथालो कहता है, द हैंडकरचीफ, रुमाल। Desimona, a man that all his time hath founded his good fortunes on your love. वो कहती है, वो कैसा आदमी है जिसने हमेशा आपकी मोहब्बत की वजह से अच्छी किस्मत पाई है। शेयर डेंजर्स विद यू, और वो हमेशा खतरों में आपके साथ रहा है। उथेलो कहते हैं, द हैंडकरचीफ, रुमाल लाओ। डेसिमोना, इन दर हकीकत, यू आर टू ब्लेम, ये आपका कसूर है। जब डेसिमोना ये कहती है कि ये आपका कसूर है, इस पर उथेलो को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है, ज़ाउंस, खुदा की कसम। अब यहाँ पर डेसिमोना का कैसियो को बार बार बुलाने पर स्टार जो है वो उथेलो को शक शुबे में डाल देता है, और उथेलो एग्जिट्स, और उथेलो जो है वो गुस्से की हालत में यहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।